हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम नेटवर्क टॉपोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नेटवर्क टॉपोलॉजी कोर्स कोड 105 में यूनिट 6 का टॉपिक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेटवर्क टॉपोलॉजी क्या होता है। नेटवर्क टॉपोलॉजी बेसिकली एक नेटवर्क में कंप्यूटर का अरेंजमेंट होता है, किस तरह से कंप्यूटर ज्योमेट्रिकली नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी उसको डिफाइन करता है। बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी 5 तरह की होती है। सबसे पहले बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। मेश टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं इस तरह से। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब से कंप्यूटर इस तरह कनेक्टेड रहते हैं और बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक सेंट्रल बैकबोन केबल से कनेक्टेड रहते हैं। और हाइब्रिड टोपोलॉजी यानी टोपोलॉजी में से किसी दो का कॉम्बिनेशन होती है। सबसे पहले हम समझते हैं बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर जो है एक सेंट्रल केबल बैकबोन केबल से कनेक्टेड रहते हैं। ये बस टोपोलॉजी का एक डायग्राम है। ये सेंट्रल केबल है जो बैकबोन केबल कहलाती है और कंप्यूटर इसी से कनेक्टेड रहते हैं इस तरह से। व्हेन ए नोड वांट्स टू कम्युनिकेट विद अदर नोड इन द नेटवर्क, इट सिंपली सेंड द मैसेज टू द कॉमन बस। जब भी एक नोड दूसरे नोड से कम्युनिकेट करना चाहेगा तब वो एक सेंट्रल बस पर अपना मैसेज सेंड करेगा। All the node in the network then receive the message, but the node for which it was actually sent only processes it. Other node discard the message. सभी node इसमें message को receive करेंगे, but जिस node के लिए message भेजा गया वही उसको process करेगा और बाकी सब node उस message को discard करेंगे। Bus topology का advantage होता है कि ये small network के लिए suitable होती है। इसमें cable length की requirement कम होती है। ये इजी टू सेटअप और एक्सटेंड होती है और इसमें कॉस्ट भी कम होती है। बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है कि फेलियर इन द मेन केबल रिजल्ट इन शटिंग डाउन ऑफ द एंटायर नेटवर्क। अगर मेन केबल जो बैकबोन केबल है वो फेल हो जाती है तो एंटायर नेटवर्क शटडाउन हो जाएगा। इन केस ऑफ नेटवर्क शटडाउन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। नेटवर्क शटडाउन के होने के बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। एज ए नंबर ऑफ नोड इंक्रीज द स्पीड ऑफ नेटवर्क स्लोज डाउन। बस टोपोलॉजी में जब नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते हैं तो नेटवर्क की स्पीड स्लो हो जाती है। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली एक सेंट्रल हब होता है, उसी से सारे नोड कनेक्टेड रहते हैं इस तरह से। व्हेन ए नोड वांट टू सेंड अ मैसेज टू द अदर नोड, इट फर्स्ट सेंड द मैसेज टू द हब, देन इन टर्न फॉरवर्ड द मैसेज टू इंटेंडेड नोड। जब भी कोई नोड दूसरे नोड को मैसेज भेजना चाहता है तो वो पहले सेंट्रल हब या सर्वर को मैसेज भेजेगा और वो सेंट्रल हब या सर्वर उस मैसेज को इंटेंडेड नोड को फॉरवर्ड करेगा। ईच नोड इन द नेटवर्क इज कनेक्टेड विद द पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू द सेंट्रल हब। हर नोड जो नेटवर्क में है वो सेंट्रल हब से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड रहेगा। हब कैन डिटेक्ट द फॉल्टी नोड इन द नेटवर्क एज वेल एज मैनेज द डेटा ट्रांसमिशन इन द नेटवर्क। जो सेंट्रल हब होगा वो नेटवर्क के फॉल्टी नोड को डिटेक्ट करेगा, साथ ही डेटा ट्रांसमिशन को भी मैनेज करेगा नेटवर्क में। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज होते हैं कि एरर डिटेक्शन और करेक्शन इसमें बहुत इजी होता है। फेलियर ऑफ एनी अदर नोड एक्सेप्ट दिस हब डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क। हब के अलावा अगर कोई भी नोड फेल होता है तो वो नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करेगा। इजी टू इंस्टॉल होता है। न्यू नोड्स कैन बी कनेक्टेड ईजिली। नए नोड को कनेक्ट करना बहुत ईजी होता है। नेटवर्क डज नॉट गेट डिस्टर्ब वेन एनी अदर डिवाइस इज एडेड और रिमूव फ्रॉम इट। कोई भी डिवाइस ऐड करने पर या रिमूव करने पर नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता है। डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, अगर सेंट्रल हब फेल हो जाता है तो एंटायर नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा। इट रिक्वायर मोर केबल लेंथ देन बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी से इसमें ज़्यादा केबल लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज कॉस्ट ऑफ हब और केबल इसमें लगती है।